अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज देख लें, आपके लिए बहुत ही परफेक्ट, इजी, क्विक, टाइम सेविंग रेसिपी है। रसमलाई लेके आ रहे हैं, वो भी इतनी सॉफ्ट, ये देख लें आप, और बहुत ही झटपट बनने वाली है। अगर आप इसको चांद रात को बना लेंगे तो ईद की सुबह परफेक्टली ये रेडी हो जाएगी खाने के लिए। चलें फटाफट से देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से बनाया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने कोई, आपने बिल्कुल कोशिश करनी है कि खुला बर्तन लें, ठीक है। रसमलाई बेशक कम हो लेकिन उसको जगह चाहिए होती है ताकि वो इवनली टूटे भी नहीं, ठीक है। मैंने 1 लीटर फुल फैट क्रीम जो मिल्क होता है वो लिया हुआ है और मैंने इसको खुले पैन में रखा है, ठीक है। 1 लीटर इसको अब मैं एक उबाल आने दूंगी, देन आपसे मिलते हैं जब इसको बॉयल आ जाएगा। दूध हमारा इतने फ्रेंड्स उसका पक रहा है, बॉयल आ रहा है, इतने हम जो रसमलाई है क्विक सी इजी सी पाउडर मिल्क से बना रहे तो वो हम रेडी कर लेते हैं, ठीक है। उसकी डो रेडी कर लेते हैं। ये देख ले, मैंने ये 250 ml है और 1 कप। आपने मेजरमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, फिर आपकी परफेक्ट बनेगी, सॉफ्ट एंड बहुत अच्छी बनेगी। इसके बाद 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर चला जाएगा इसके अंदर, 1/2 टीस्पून, क्योंकि उसका टेस्ट हमने बहुत तेज होता है। अच्छा जी, अब लेवल्ड मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून। ये देख लें, बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग सोडा नहीं है, आपने बेकिंग पाउडर ही लेना है। अब मिल्क पाउडर से बना रहे हैं तो हमें इसकी बाइंडिंग के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ डालनी होगी जिससे अच्छे से बाइंड हो जाए। तो 1 टेबल स्पून मैदा है, ठीक है, प्लेन फ्लावर ये चला जाएगा इसके अंदर। दूध को आप साथ साथ देख लें, अगर वो नीचे लग जाएगा तो फिर उसकी सारी टेस्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या डालना है, घी डालना है 1 टेबल स्पून ही, ठीक है। मैदा चला गया 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून के करीब ही घी इसके अंदर चला गया। अच्छा जी, ये सारी चीजें थी, बस हमने इसमें और कुछ नहीं डाला। मैं जरा ग्लव्स पहन लूं फिर हम इसकी डो रेडी करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हो गई हैं, ड्राई चीजों को हम जरा पहले मिक्स कर लेंगे। सुपर इजी है और हैंडी है, आप ईद पे और भी ज़ाहिर बहुत से काम होते हैं बकरीद पर, तो आप चांद रात को भी ये बना कर रख ले। अच्छा जी, ये देख लें, पहले मैंने इसको हाथ से ये मिक्स कर लिया। रिटर्न रेसिपी के लिए आप वेबसाइट को फॉलो कर सकते हैं, हमारी कुक विद फरीहा के नाम से ही है, तमाम रेसिपी जो टोटल है वो रिटर्न में मिल जाएगी। अच्छा ये देख लें, मैंने मिक्स कर लिया। अब अंडा जो होता है इसका मैं आपको बताऊँ कि आपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा डाल, ठीक हो गया, जितने में हमारी डो रेडी हो जाए। छोटे साइज का ही अंडा था, होपफुली ये सारा ही इसके अंदर जाएगा। 3 टेबल स्पून मैक्सिमम जाता है वैसे तो, क्योंकि हमने इसी से इसकी डो बनानी है। थोड़ा थोड़ा करके हम ऐड करते जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, इसका बॉयल भी आ गया, 15-20 मिनट के अच्छे से पक चुका है, ठीक है, ये हो गया। अब आपने इसमें शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। मैं इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ही डाल रही हूँ। 1 कप शुगर है, नॉर्मल शुगर, और इलायची है 4 से 5 दाने। अब इसको मजीद हमने 5 मिनट पकाना है। इतने में हम अपने रेडी कर लेते हैं रसमलाई की बॉल्स बना लेते हैं, ठीक है, ये पकता रहेगा, साथ साथ इसको भी देखते रहें। फ्रेंड्स, डो हमारी रेडी होगी, इसको रेस्ट भी मिल गया 10 से 15 मिनट का। अब आप हल्का सा हाथों पर ऑयल लगा लें ताकि ये स्टिक ना हो, जो आपके रिक्वायरमेंट हो, जो सी शेप आपको पसंद हो आप उसमें इसको बना सकते हैं। इस तरह आपने इसको पाम्स की मदद से ज़्यादा प्रेस करते हुए ताकि इसमें कोई क्रैक ना आए, ठीक है, थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्योंकि अभी ये साइज़ में भी डबल हो जाएंगी, तो आपने वो ध्यान में रख के इसकी रसमलाई बनानी, ठीक है। ये देख लें, 1 इंच की बॉल जो है वो मोर देन इनफ है, ये देख लें। इस तरह से हम सारी वैरायटी कर लेंगे। शेप आप इसको थोड़ी सी चेंज भी दे सकते हैं, यूँ आजकल इस तरह से भी बन जाती है, देख लें, जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं, ठीक है। चलें अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, ये 8 बनाई है मैंने, नॉर्मल साइज की हैं, ये भी इवन के बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। चलें अब मूव टू अवर पैन। चलिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह दूध भी बिल्कुल रेडी हो गया रसमलाई के लिए।
अच्छा, अगर आपको ज़्यादा टेस्ट उसका येलो येलो सा पसंद है तो आप इस स्टेज में भी इसमें ज़ाफ़रान डाल सकते हैं। मैं ऊपर गार्निश करूँगी, आपके ऊपर है, टोटली अप टू यू कि आपको किस तरह का उसका कलर पसंद है। हमारे कलर घर में इसी तरह सा क्रीमी सा कलर ज़्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें हम डाल देंगे वन बाय वन और इसको मैं कवर करके, आपने इनको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना, आपने इनके पास ही रहना, कवर करके रखेंगे ताकि रसमलाई जो है थोड़ी सी जब फूल जाए। फिर मिलते हैं आपसे आफ्टर 5 मिनट्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी देख लें, अभी इसका साइज बड़ा हो रहा है। आपने बहुत ज्यादा स्पून नहीं इसमें, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती हैं, अभी आपने इसको पकने देना। जस्ट आपने बस ध्यान रखना है कि दूध उबल कर बाहर ना आ जाए, ठीक है। इसको अगेन कवर करके 5 मिनट्स का मीडियम हीट रखी हुई है मैंने नीचे, कि दूध नीचे भी ना लगे पैदे से। चलेंगे फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देख लें साइज इन्होंने कितना इंक्रीज किया है, बिल्कुल सॉफ्ट है और ये बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको, ईद आ रही है, इस पर ज़रूर ट्राई करें एंड बताएं, फीडबैक देना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, इसको एंजॉय करें एंड हम सब की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।